पुलिस स्टेशन के एडिशनल इंस्पेक्टर नारायण रेड्डी, एसएचओ सुनील, एसीपी आसिफ नगर नरसिम्हा रेड्डी के लीडरशिप में एक दो अच्छे रॉबरी केसेस डिटेक्ट हुआ है। इसमें चार ऑफेंडर्स इन्वॉल्व है, दो गोलकोंडा के राउडी शीटर्स है, एक मोहम्मद फिरोज, दूसरा वाहिद और बंजारा हिल्स का राउडी शीटर माजिद। ये तीनों मिलके और उनके एक दूसरा साथी मेनाज, पूरे चारों लोग दो रॉबरी ऑफेंसेस में इन्वॉल्व ले लो। एक तीसरे तारीख इस महीने करीब 9:30 बजे सिटी सेंटर के पास एक ऑटो चोरी करके ऑटो ड्राइवर के पास जो मोबाइल फोन और उसके पास थोड़ा पैसा छीन के डरा के उसी ऑटो से फिर वो लोग 11:30 बजे सरोजनी देवी हॉस्पिटल हुमायूं नगर लिमिट्स में वहां पे आके दूसरे एक ऑटो ड्राइवर के साथ झगड़ा करके बड़ा चाकू दिखा के डरा के धमका के उसके पास से एक मोबाइल फोन और 600 रुपया वहां से रॉबरी करके भाग गए। उसके बाद में पिछले दो दिन में ये पूरा एक दो टीम फॉर्म करके एसीपी और उनके दो इंस्पेक्टर्स, एडिशनल इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर हुमायूं नगर और क्राइम टीम पूरे मिलके ये चार लोगों को आज गिरफ्तार करे, इनको आज अरेस्ट करके जुडिशियल कस्टडी को आज भेजा रहे। इनके पास अरेस्ट के समय जो चाकू उन्होंने उस समय इस्तेमाल किया ये रॉबरी में वो रिकवर करे, उसके अलावा चार मोबाइल और 800 रुपए भी उनके पास से रिकवर करे। इन चारों को आज अरेस्ट करके जुडिशियल कस्टडी को भेजा रहे। ये चारों लोग इससे पहले भी तरह तरह के ऑफेंसेज में इन्वॉल्व रहे, अटेम्प्ट टू मर्डर, रॉबरी, डेकोइटी, अटेम्प्ट टू रेप, इस तरह के बड़े क्राइम में ये लोग इन्वॉल्व है। ये खतरनाक मुलजिम है, इससे पहले ये लोग इसी तरह के ऑफेंसेस करते रहे और अभी ये दो ऑफेंसेस जो रिसेंट ऑफेंसेस है इसको नजर रखते हुए इन तीनों लोगों को पीडी एक्ट प्रपोजल्स में भिजा के इनको प्रिवेंटेड डिटेंशन में भी इनका प्रपोजल्स हम लोग अभी बना रहे।